आज से शुरू हो रहे चैत्र रामनवमी के उपलक्ष्य में आज सभी भक्त सुबह से ही मंदिरों में पूजा अर्चना करते हुए दिखे, जिसमें आज शरदगढ़ के राम जानक मंदिर में एक भव्य जुलूस यहाँ के लोगों द्वारा निकाला गया, जिसमें राजा योगेंद्र प्रताप सिंह और नगर अध्यक्ष बबीता कसौदन सहित सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ताओं ने जयकारे लगाते हुए आज उक्त मंदिर पर मेले का उद्घाटन समारोह भी होना है। यहाँ आज चैत्र नवरात्र का पहला दिन प्रारंभ हो गया है। यहाँ सुबह से ही श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है, दर्शनार्थी दर्शन करने आ रहे हैं और इसी के साथ साथ आज कस्बे में एक भव्य जुलूस का भी निकाला जा रहा है। आज पहले दिन में हिंदू चैत्र नवरात्र के प्रथम दिन और इतना बड़ा शुभ कार्य हम लोग करने जा रहे हैं। माँ आज शक्ति की पूजा आज ही के दिन से प्रारंभ हो रही है और पुरानी परंपराओं के साथ साथ सोहरतगढ़ और नगर से निकट माँ समय का जो एक प्राचीन स्थल है उसका आज मेले का उद्घाटन सोहरतगढ़ नरेश राजा सोहरतगढ़ के नेतृत्व में नगर पंचायत अध्यक्ष बबीता कसौदन के नेतृत्व में यहाँ की पूरी जनता पूरे हिंदू युवा वाहिनी योगी आदित्यनाथ महाराज उत्तर प्रदेश के आज मुख्यमंत्री हैं, उनके समस्त पदाधिकारी भारतीय जनता पार्टी के हमारे पदाधिकारी मंडल अध्यक्ष सहित तमाम पदाधिकारी आज उस मेले के उद्घाटन में चल रहे हैं जो पुरानी परंपराओं के तहत होकर चलाया है। यही कहना चाहूंगा कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जो राजा थे उन्होंने विक्रम संवत आरंभ किया था और तब से जो है हम हिंदू ये हिंदू नववर्ष मना रहे हैं हर्षोल्लास के साथ। और मैं ये समझता हूँ कि पहली जनवरी को जो हम लोग नौ वर्ष मनाते हैं वो हम लोग बिल्कुल ही गलत सहमी में है और मैं ये यकीन के साथ कहना चाहता हूँ, अपील भी करता हूँ कि पहली जनवरी को ना हिंदू नौ वर्ष ना मनाकर चैत्र माह के ये पहली तारीख को हिंदू नौ वर्ष मनाया जाए।